दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हम तीन चार इस सप्ताह की ऐसी खबरों पर आज चर्चा करेंगे जिन खबरों को मेनस्ट्रीम मीडिया ने उतनी तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन पहली खबर जो आज हफ्ते की बात में है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आईटी जो मिनिस्ट्री है, दोनों के प्रभारी मंत्रियों ने, क्रमशः प्रकाश जावड़ेकर साहब और रविशंकर प्रसाद, इन दोनों ने बृहस्पतिवार को, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं और ओटीटी जो जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, इस तरह की जो चीजें हैं, अमेजन प्राइम प्राइम, इस तरह की जो चीजें हैं, इन पर उन्होंने एक तरह से गाइडलाइन पेश करने का दावा किया है। लेकिन अगर इस गाइडलाइन को, मैं दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर गाइडलाइन को अगर आप पढ़िए, उसके प्रावधानों को आप पढ़िए, तो आप पाएंगे कि ये निर्देशावली से ज्यादा दरअसल या नियंत्रण का एक मैकेनिज्म है। ये कोई गाइडलाइन लगता है कि जैसे सुझाव दिया जा रहा है, कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है, दरअसल ये एक तरह से कंट्रोल का, जैसे लगता है कि जैसे कोई आपको बता रहा है कि आपको यही कर है, ये नहीं करने तरह को, उसके उस जुबान को बंद करने जैसा है। हमने अतीत में देखा है कि पहले भी कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी, कई ऐसे बिल आए थे जिसका पूरे देश ने विरोध किया। लेकिन अजीब बात है कि इस बार जो ये प्रावधान आए हैं गाइडलाइंस के नाम पर, इनको या तो लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या यही केवल समझ रहे हैं कि ये महज न्यूज पोर्टल्स के लिए है, तो हम क्यों बोले, हमें इससे क्या लेने देना है। लेकिन दोस्तों जिस देश में मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसका एक बड़ा हिस्सा टेलीविजन है, जो टेलीविजन पूरी तरह, जिसको सरकार और सरकारी तंत्र और सरकार के राजनीतिक जो संचालक हैं वो अपने एक एलाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एक सहयोगी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां अखबारों की भी जुबान काफी हद तक एक तरह से सीमित कर दी गई है, अगर कुछ एक अंग्रेजी अखबारों को छोड़ दिया जाए, हिंदी और बहुत सारे भाषाई जो अखबार हैं उनको कुंद कर दिया गया है, ऐसे देश में जहां मीडिया की आजादी खतरे में है और हम 142वें नंबर पर हैं इस वक्त इंडेक्स में, जो पूरी दुनिया में मीडिया फ्रीडम का इंडेक्स है, 180 के आसपास देशों का ये इंडेक्स है, उसमें हम 142 के आसपास पहुंच चुके हैं, शायद इससे और भी नीचे। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे दौर में अगर हमारे देश में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो समाचार का, विचार का प्रवाह या प्रसार है, अगर वह भी कुंद कर दिया गया, तो कितना बड़ा खतरा है आवाम के लिए, लोकतंत्र के लिए और पूरे समाज के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है, दरअसल वो गाइडलाइन एक बहुत खतरनाक पहलू है जो पूरे लोकतंत्र को कुंद करेगी और इससे बहुत सारी नई समस्याएं पैदा होंगी। मैं संक्षेप में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इन गाइडलाइंस में है क्या। इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल साफ शब्दों में, जैसा मैंने पहले कहा कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई लोकतांत्रिक मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी मैकेनिज्म है। इसमें कमेटियां हैं, एक एक, एक जैसे कमेटी जो कई मंत्रालयों के बड़े अफसरों की कमेटी होगी, जो चाहेगी वो कर देगी। अगर किसी भी कंटेंट को वो किसी विमर्श, किसी सुझाव, किसी सलाह के बगैर वो उस पर फैसले ले सकती है, और जरूरत पड़ने पर सजा का भी एक तरह से प्रोविजन इसमें है। और इसके अलावा जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद उनको ग्रीवांस मैकेनिज्म रखना होगा। अब आप सोचिए, छोटे जो जिलों में, क्षेत्रों में, कस्बों में बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं अपने तरह तरह के यूट्यूब चैनल या बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स, बहुत सारी वेबसाइट, वो क्या करेंगे? जो दो लोग, एक आदमी केवल चला रहा है किसी जिले में,
वो कहां से ये सारा मैकेनिज्म कैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि नए जमाने के इस मीडिया से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ज्यादा परेशान है और उसको लगता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सरकार के मंत्रियों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तो टेलीविजन के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या भारत सरकार ने टेलीविजन के बारे में कभी कुछ सोचा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि टेलीविजन से उसको कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 2013 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारे रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन के नए सुझाव उसमें पेश किए गए थे, मीडिया काउंसिल की भी उसमें बात की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये अलग अलग खानों में मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को बांट करके रेगुलेशन और नियंत्रण का जो पूरा का पूरा ये जो तंत्र खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में गलत है। क्यों नहीं पूरे मीडिया को, यानी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आज आप देखते हैं कि आज तक अगर एक चैनल है तो उसका भी मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी भी वेबसाइट है। तो उसी तरह से अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू अखबार है, दैनिक जागरण है, किसी का भी नाम ले लीजिए, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने तो यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कहना है कि सबको बांट करके अलग अलग देखना, मुझे लगता है ये सरकार की एक योजना का हिस्सा है। क्यों नहीं सरकार संपूर्ण मीडिया को एक हिस्सा मानकर, एक समग्र हिस्सा मानकर, और उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेल्फ रेगुलेटरी या रेगुलेटरी जो भी है, और इंडिपेंडेंट किस्म का एक स्ट्रक्चर उसके लिए बनाती है जो दुनिया के कई विकसित मुल्कों में जिस तरह के हैं। वो क्यों सरकारी कमेटी रहेगी और क्यों सरकार को ही केवल एक महीने पर रिपोर्ट देनी होगी? आप 15 दिन के अंदर पहले तो आप ग्रीवांस पे एड्रेस कीजिए और इसके बाद हर महीने आप सरकार को बताइए कि उसने कैसे, कितने उसके पास कंप्लेन आए, किसको कितना एड्रेस किया। अब अपने देश में हम सब जानते हैं कि ट्रोल आर्मी बनी हुई है कुछ पार्टियों की, और वो किसी भी चैनल के किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी वेबसाइट को अगर परेशान करना चाहते हैं तो बहुत सारे फर्जी कंप्लेन का बाढ़ आ जाएगा, बौछार आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन इन चीजों को कैसे सोचा गया, कैसे समझा गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जरूर इस पर देश की जो सर्वोच्च अदालत है और अन्य जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जरूर इस पर गौर कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए जितना जरूरी है कि जो फालतू किस्म की चीजें अगर सोशल मीडिया पर आती हैं उनसे भी बचा जाए, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो जरूरी सूचनाओं का प्रवाह है, खबरों का प्रवाह है, विचारों का जो प्रवाह है, जो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है, वो भी जारी रखा जाए। दोस्तों हमारी दूसरी जो आज की खबर है वो है 5 राज्यों के चुनाव, इनका ऐलान कल किया गया और शुक्रवार को जब ऐलान किया गया उसके कुछ ही देर के अंदर बंगाल को 8 फेज में चुनाव कराने का जो मसला था वो विवादों में आ गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को जो रिकमेंडेशन दिए थे चुनाव कराने को लेकर, चुनाव कब कैसे कराया जाए, इलेक्शन कमीशन ने हूबहू से मान लिया। और संयोगवश दोस्तों हम सब जानते हैं कि 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन को वाकई ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा फेज में इलेक्शन कराए जाएं और सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती हो हर जगह। तो सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती का मसला तो अपनी जगह है, लेकिन अधिक से अधिक फेज में कराने की जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है वो ऑन रिकॉर्ड है और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया। तो ममता बनर्जी जब ये कह रही हैं, जो मुख्यमंत्री उस प्रदेश की हैं, तो उनकी बातों को बिल्कुल गैर गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि उनकी बातों में कोई दम है, और बिल्कुल कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और दोस्तों तमिलनाडु में जहां पर कुछ ही सीटें कम है, अगर आप देखिए बंगाल में 8 फेज का चुनाव है और असम में 3 फेज का चुनाव है, 294 सीटें बंगाल में हैं, और तमिलनाडु जहां पर 1 फेज में चुनाव है वहां भी 234 सीटें हैं, 16 अप्रैल को वहां चुनाव होगा। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ये पूरा का पूरा फैसला कि आखिर बंगाल को
जिस तरह से 8 फेजेज में ले जाया गया है उसके पीछे कहानी क्या है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण एक उठती है जो बार बार मीडिया ने भी उठाई है कि जब कभी कई फेजेज में चुनाव होते हैं तो जो ज्यादातर महत्वपूर्ण पार्टियों के महत्वपूर्ण नेता हैं वो एक चुनाव सभा, एक चुनाव रैली या एक कोई रोड शो करते हैं, जिस दिन वो करते हैं वो दूसरी जगह कहीं मतदान हो रहा होता है। तो ये पहलू अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज चैनलों में बड़े नेताओं के लाइव कवरेज को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि वेब्स पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका नेट पर कंट्रोल नहीं अगर है, तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव को यूं कैसे संयोजित कर रहे हैं कि जिस दिन चुनाव होगा कहीं, जिस दिन पोलिंग कहीं होगी, वहां किसी नेता का प्रचार ऑलरेडी चल रहा होगा और वो प्रचार उस मतदान केंद्र में जहां मतदान हो रहा है उस इलाके की जनता भी सुन रही होगी। तो प्रोपेगेंडा यानी प्रचार, जो कहा जाता है कि 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाए चुनाव से पहले, इलेक्शन कमीशन के उस नियम को तो धराशायी कर देती है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कई फेजेज में चुनाव कराने की। इसलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता पूर्वक इलेक्शन कमीशन को सोचने की जरूरत है। और बिल्कुल आखिर में ये बात कि इलेक्शन कमीशन हाल के कुछ वर्षों में अपनी जो एक संवैधानिक मर्यादा है, जो उसकी एक प्रामाणिकता रही है बीच के दिनों में, जो उसकी विश्वसनीयता रही है, उसमें भारी इरोजन हुआ है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर इस देश में अगर आप सर्वे करा लीजिए, अगर कोई आप इस देश में कोई भी इस तरह का लोगों से उनकी राय ले लीजिए तो लोगों की राय भी यही आती है और मीडिया में भी ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एक चिंता की बात है अपने देश की डेमोक्रेसी के लिए, जो इलेक्शंस को लेकर ये बात हो रही है। 2 मई को रिजल्ट आने हैं इस इन 5 चुनाव चुनाव के, केरल भी इसमें शुमार है और पांडिचेरी भी इसमें शुमार है। तो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इसका संचालन कैसे करता है और नतीजे क्या आते हैं। दोस्तों हमारी तीसरी खबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो हरियाणा से जुड़ी है और किसान आंदोलन से भी जुड़ी है। किसान आंदोलन की समर्थक एक महिला मजदूर नेता, जो स्वयं महिला रही है, जो स्वयं महिला है और जो मजदूर नेता है, उसकी कैसे पिटाई की जाती है, कैसे उसको जेल में बंद किया जाता है। नवदीप कौर की मैं बात कर रहा हूं, एक तो मजदूर और दूसरी दलित लड़की और तीसरी 24 साल की लड़की है। और तीसरी बात कि किसान आंदोलन की समर्थक, मजदूरों में काम करने वाली, सोनीपत के इलाके में। और इस लड़की को जो 24 साल की है, 12 जनवरी से इसको बंद किया गया, हिरासत में लिया गया। इसकी कहा जाता है जो आरोप लगे हैं कि उसे वाकई शारीरिक चोटें आई और अभी शुक्रवार को उन्हें पंजाब और हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जो जमानत पर रिहा करने का आदेश माननीय हाई कोर्ट ने दिया, उनको जेल से छोड़ा गया, करनाल जेल से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवदीप कौर की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद उसी इलाके में मजदूरों के मसले को ही उठाने वाले शिव कुमार, वो भी एक दलित समाज से आते हैं, मजदूर कार्यकर्ता हैं, किसान आंदोलन के समर्थक हैं, उन्हें भी हरियाणा पुलिस ने उसी तरह गिरफ्तार किया और उनकी तो बेरहमी के साथ पिटाई की गई। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये माननीय कोर्ट के आदेश पर जो मेडिकल जांच कराई गई है उस जांच में पाया गया है कि उनकी कई जगह उनको फ्रैक्चर हो गए हैं, 4 जगह का जिक्र आया है। और मैं ये कोट कर रहा हूं कैरवान में छपी जतिंद्र कुमार और मनदीप पुनिया की रिपोर्ट की। 22 जनवरी को हाई कोर्ट में मेडिकल लीगल जो परीक्षण रिपोर्ट सुपुर्द की गई वो 4 जगह फ्रैक्चर की बात करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर उन्हें भारी चोट आई है। तो दोस्तों सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच की अर्जी लगा सकता है, ये बहुत पहले से नियम है। मुझे लगता है कि अगर आज नियम बनने हो, आज रूल बनने हो, तो मौजूदा जो निजाम है, मौजूदा जो सरकारें हैं, वो चाहेंगी कि ये भी नियम न रहे, को जितनी पिटाई जेल में किसी की जा सके वो कोई जांच अपनी न करा सके, बल्कि जो लोग जेल जा रहे हैं वो जेल में ही अगर रफा दफा हो जाए इस जीवन से, तो भी मुझे लगता है हमारी हुकूमतें, हमारा निजाम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा।
संवेदनाओं की जिस तरह से मौत हो रही है, मानवीय संवेदनाएं जिस तरह से हमारे हुकूमतों की उनकी खत्म की जा रही हैं, खत्म हो रही हैं, वो बहुत अचरज में डालने वाला वाक्य हमारे समाज का है। और नवदीप कौर और शिव कुमार का मामला बहुत चिंता जगाता है कि किस तरह हमारे देश में दलित समाज से आने वाली एक लड़की, एक नौजवान, किस तरह से मजदूर, जो स्वयं नवदीप कौर उसी इलाके में एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपनी अपनी वाजिब जेन्युइन जो मांगे हैं, परेशानियां जो उनकी थी, उनको वेतन नहीं मिल रहा था काम के बाद, उसके लिए उन्होंने अपने अधिकार मंच का निर्माण किया और उसके तहत उन्होंने बहुत सारे काम किए जिससे कुछ राहत मजदूरों को मिली। लेकिन मालिकों के दबाव में किस तरह शासन प्रशासन आता है और मिल करके एक्टिविस्ट को परेशान करता है, मारता पीटता है, मानवाधिकार हनन की तमाम जितनी खतरनाक और जितनी अन्यायपूर्ण साजिशें की जा सकती हैं वो सारा कुछ किया गया दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद अभी तक दोनों को ठीक से न्याय नहीं मिला है। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप को सैल्यूट किया जाना चाहिए कि तमाम प्रशासनिक जो अर्जियां थी उनके विफल होने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने ये काम किया, बहुत ही ये स्वागत योग्य है। देखना है कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्या टॉर्चर करने वाले पुलिस अफसरों को दंड मिलता है या सरकार से पूछताछ होती है, ये देखना बाकी है। और दोस्तों बिल्कुल चलते चलते आखिर खबर, दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 91.17 रुपए और डीजल की कीमत 81.47 रुपए। कई जगहों पर देश के 100 रुपए को क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। अब आप कल्पना कीजिए 100 रुपए पार पेट्रोल। और दोस्तों एक सज्जन है श्याम रंगीला, श्याम रंगीला साहब ने राजस्थान के एक इलाके से मिमिक्री, वो काफी दिलचस्प अपने प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े राजनेता को लेकर मिमिक्री की और उसमें हुआ ये कि डीजल और पेट्रोल पर धारदार व्यंग दिखाया और बड़े दिलचस्प ढंग से दिखाया। उसके एवज में जो पेट्रोल पंप के पास शूट किया वहां पर कार्रवाई हो गई और बहुत सारी उनके खिलाफ भी FIR वगैरह की बात आ गई है। तो आजकल डीजल और पेट्रोल पर अगर सच भी अगर दिखाना चाहते हैं, सच भी बोलना चाहते हैं, तो बंदिशें वहां भी शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों चीजें महंगी होंगी लेकिन आपका मुंह बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। और ये जो जमाना है मैं समझता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए सचमुच बहुत चैलेंजिंग है। देखना है कि जो लोकतंत्रवादी हैं, जो समाज में वाकई अमन चैन शांति और बेहतरी चाहते हैं, वो इसको कैसे लेते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.